हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज हम सभी लोग तीन महत्वपूर्ण तरीका जानने वाले हैं जो कि किसी भी एरिया में कोई भी पेपर देने से पहले अगर इस तीन नियम को आप जान लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में 90% मार्क्स मिलना तो पक्का है। बाकी बचा 10%, 10% आप खुद से भी ला सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो तीन नियम कौन कौन से हैं। तो गाइस, यहाँ पे पहला नियम दिया गया है, कोई भी पेपर में उत्तर लंबा लंबा हो तो वही सही है। अब इसे हम जाने की कैसे, कोई भी उत्तर कैसे सही हो सकता है? जैसे आप तो सभी लोग कहेंगे नहीं, ये गलत हो सकता है, लेकिन मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कैसे ये सही हो सकता है। आए आते हैं एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे ये सही होगा। जैसा कि गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे पैरालेलोग्राम की डेफिनेशन जानने वाले हैं कि कैसे कि कौन सा जो आंसर लंबा होता है वही सही होता है। देख लेते हैं, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब पैरालेलोग्राम इज अपोजिट साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड डिवाइड इट्स इंटू टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। अब इस एग्जांपल से आप गए समझिए होंगे, पैरालेलोग्राम में कभी भी एक ही नहीं होता है, एक अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये भी सही है, लेकिन कभी एक ही प्रॉपर्टी नहीं होती है, और सारे होते होंगे, तो इसीलिए ये तो गलत हो गया। अपोजिट एंगल आर इक्वल, जब उसमें साइड साइड उसमें है ही नहीं, सिर्फ अपोजिट, सिर्फ कोई भी पैरालेलोग्राम में सिर्फ साइड नहीं होते हैं, सिर्फ एंगल नहीं होते हैं, या फिर दो कॉन्ग्रुएंट एंगल नहीं होते, उसमें सभी की सभी प्रॉपर्टी पाई जाती होगी, तो इसलिए ये भी गलत है। अब आते हैं, अब पैरालेलोग्राम इज अपोजिट साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड डिवाइड इट्स इंटू टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। अब इसमें देखिए, इसमें इसमें तो वन वन बताया गया था, अब इन दोनों को मिला के और इसमें एडवांस ला कर डालकर इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड सही होगा। तो इसमें आप सभी लोग जानिए कि कोई भी आंसर लंबा होता है तो वही सही होता है। आइए जान लेते हैं दूसरा नियम, कुछ पेपर में होता है कि ऑप्शन नन ऑफ दीज में दिया रहता है तो वही सही है। अब गाइस इसे भी कहेंगे कि कैसे कोई नन ऑफ दी सही गलत सही होता है। चलिए गाइस इसे भी जान लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की जो सम होता है, मतलब जो उनके सारे एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, सम ऑफ एंगल्स, तो यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट 90 डिग्री का होता है, सेकंड 120 डिग्री का होता है, थर्ड 260 डिग्री का होता है, फोर्थ नन ऑफ दी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम 360 डिग्री होता है। ये मान लीजिए यहाँ क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल या फिर जो भी कुछ हो ऐसे भी, या फिर इसको ऐसे ही बना सकते हैं आप, ये एंगल ये एंगल ये और ये, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90, तो कुल मिला के हो गया 9 × 4 इसको भी 36, और सभी जीरो को कॉमन रख लेते हैं तो आ गया 360 डिग्री। तो इसमें कहीं भी 60 डिग्री, यहाँ इवन 90 डिग्री नहीं होता है, 120 भी नहीं होता है, 260 भी नहीं होता है, दैट मीन्स कि ऑप्शन 4 यानी कि नन ऑफ दिस सही होता है। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि कैसे मैंने ऑप्शन नन ऑफ दिस कैसे सही होता है। अब आते हैं पॉइंट थर्ड में, 90% पेपर में ऑप्शन सी सही होता है। आप सभी लोग जानते होंगे, अब आप कैसे कहेंगे कि 90% पेपर में ऑप्शन सी सही होता है? चलिए उसे भी जान लेते हैं कि 90% पेपर में ऑप्शन सी कैसे सही होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखते हैं सम क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ, और इसमें भी वही पूछा गया है सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल सम, दैट मीन्स कि 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसमें जान लेते हैं कि 360 डिग्री कौन सा है, 1 250 जो कि
ये भी 360 नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन 290 डिग्री, ये भी नहीं है। ऑप्शन 360 डिग्री, ये करेक्ट है। और ऑप्शन फोर 760 डिग्री, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि ऑप्शन सी किस तरह से सही होता है। कई कई ऑप्शन में होता है कि ऑप्शन सी सही होता है। अगर इसका एक लॉजिक और है कि अगर आपको मान लो कोई कोई एग्ज़ाम देने गए और उसमें से 200 क्वेश्चन आए, उसमें से आपने 120 क्वेश्चन कर लिए, 120 क्वेश्चन कर लिए, बच रहे आपके 80, 80 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि 80 पे सी का ऑप्शन सही कर टिक कर देना है, टिक कर देना। या फिर जो भी ऐसे मान लो सरकार ऐसे फिलअप करने के लिए आ गया तो आप उसे कर दीजिएगा। अब कोई ज़रूरी है नहीं कि आप 120 क्वेश्चन करके आए तो सारा का सारा सही होगा, उसमें 10, 20, 30 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। लेकिन मान लो अगर आपने 80 क्वेश्चन किए और उसमें से आपको 30 क्वेश्चन सही चले गए, आपको ये 30 मार्क्स परमानेंट फिक्स है कि आपको मिलना ही मिलना है, और उसमें भी गलती की होगी, और पासिंग नंबर 100 है। तो मान लें अगर मान लीजिए अगर इसमें आप 20 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, इसमें आप 100 पा गए और इसमें 30 पा गए, तो कुल मिला के हो गया 130 मार्क्स हो गए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए गाइस, अगर आई होप गाइस कि आपको यह ट्रिक्स बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर आपको यह पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।